क्या अंकिता लोखंडे और विकी जैन का रिश्ता टूट जाएगा? चलिए बताते हैं। दरअसल बिग बॉस ने जिस तरीके का प्रोमो काटा है, पहला प्रोमो उन्होंने दिखाया, मतलब ये तो प्रोमो 3 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन एपिसोड में आज तक घर वाले अभी तक नहीं आए हैं। मे बी आज हम उम्मीद करते हैं कि आज घर वाले घर के अंदर आ जाए। कल भी हम यही उम्मीद कर रहे थे कि कल घर वालों को हमें देखने को मिलेगा, लेकिन बिग बॉस ने तो हमें कुछ और ही खिचड़ी दिखाई मुनावर और ऐशा की। उसके बाद आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो आ जाए घर के अंदर, ताकि हमें वो वाले सीन्स भी देखने को मिल जाए। तो बिग बॉस ने ये पहले सीन दिखाया कि विक्की की मदर आती हैं घर के अंदर और वो अंकिता से बातें करती हैं, और वो लात मारने वाली बात को आप सबने देखा होगा कि जहाँ लात मारने वाली बात पे कहती हैं कि भाई वो हमने देखा, तो तुम्हारे पापा ने तुरंत तुम्हारी मम्मी को फ़ोन किया कि क्या तुम भी अपने पति को ऐसे ही लात मारती थी। जिस पर अंकिता कहती है कि मम्मा ये गलत बात है, मेरे पापा की अभी भी डेथ हुई है, आप लोगों को नहीं फ़ोन करना चाहिए था मम्मा के पास, कि आपको शिकायत है तो आप मेरे से कहिए, मुझे डांटिए लेकिन मम्मा को मत बोलिए। अब इसके बाद अंकिता घर में अपनी मदर से भी बात करती है, उनकी मदर कुछ नहीं कहती, उनकी मदर कहती है ठीक है बेटा, सिचुएशन है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अब विकी और अंकिता दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिस पे अंकिता कहती है यार मैं ही बुरी हूँ क्या, मैं ही गलत हूँ क्या, क्योंकि मुझे ही हर तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। तो विकी का कहना है कि किसने तुझे क्या बोला, तो अंकिता कहती है कि भाई मुझे ही ऐसा लग रहा है क्योंकि बार बार मैं ही गलत हूँ, यही दिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि मैंने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं और रिश्तों को मैंने तवज्जो दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी ने तवज्जो दी है, कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो विकी का फिर वही कहना कि यार मुझे भी ऐसा लगता है कि तू बात सुनती नहीं है, समझती नहीं है, मैं कहीं और बात कर रहा होता हूँ, तू कहीं और बात कर रही होती है। तो विकी भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है अंकिता को, और अंकिता विकी को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही है। तो अंकिता पूछती है कि क्या तुझे ब्रेक चाहिए, तो फिर चीज़ें बिगड़ती हुई सी नज़र आ रही है। मतलब विकी भी कहीं ना कहीं उस जोन में नहीं है, मैं कह सकती हूँ कि जहाँ पे वो अंकिता की सिचुएशन को समझे। विकी को ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि अंकिता जिस चीज़ से गो थ्रू कर रही है उसमें थोड़ा सा तो हाथ बटाए, लेकिन विकी का अपना कहना है कि नहीं, मुझे लगता है कि तू समझने की कोशिश ही नहीं करती है, मैं किसी और लेवल पे सोचता हूँ, तू किसी और लेवल पे सोचती है। तो हम लोगों का जो होता है ना अंडरस्टैंडिंग, वही नहीं है, हम बात कर ही नहीं पाते क्योंकि तू हर टाइम शक्लें बनाती रहती है। तो ये वाली सारी चीज़ें समझ में आई हैं। फिलहाल देखते हैं इनके रिश्ते का क्या कुछ होता है बिग बॉस के घर के अंदर, बाहर तो सब कुछ भगवान करे ठीक ही हो, अंकिता अपनी लाइफ में खुशियाँ पाए जो वो डिज़र्व करती है।